और पैड में तो वो बिल्कुल इतना देखिए, फर्क था डीआरएस भी जितना दिया गया, थर्ड अंपायर पे भी गया, बट थर्ड अंपायर ने भी आउट ही करार दिया इस चीज को। इसी के साथ हैदराबाद मात्र एक रन से जीत गई, रोमांचक मुकाबला आज हैदराबाद। हमेशा हम बोलते हैं कि हैदराबाद की बोलिंग कमजोर है, बट आज आई थिंक वो नजर आया कि हैदराबाद की बोलिंग कमजोर नहीं है। चाहे आप जयदेव उनादकट की बात करें, चाहे आप भुवनेश्वर की बात करें, चाहे आप कप्तान पैट कमिंस की बात करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पैट कमिंस चाहे विद द बैट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, विद द बैट खैर उनकी पारी भी नहीं आती उतनी, उतने नीचे तक पारी को लेके भी नहीं जाते, बट गेंदबाजी में पैट कमिंस बहुत ही ज्यादा कमाल करते हैं। और आज 1900 ओवर जनरली वो गेंदबाज डालता है जो बहुत ज्यादा सक्षम हो, क्योंकि 1900 ओवर मेक और ब्रेक होता है किसी भी इनिंग का। तो आज कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम किया और सबको चुप करवा दिया, राजस्थान वालों को चुप करवा दिया बिल्कुल। लेकिन पैट कमिंस से ज्यादा मैं तो भाई भुवनेश्वर कुमार का, जिस तरीके का उन्होंने स्टार्ट भी उन्होंने किया और अंत भी उन्होंने किया, आगाज भी जहां जैसे कहते हैं आगाज अच्छा हो तो फिर अंजाम उससे बेस्ट होता हो, तो उससे बेस्ट करके दिखा। पहले ओवर में आपने दो आउट कर दिया यार, सैमसन को आउट किया, बटलर को आउट किया, बटलर के जोश को रोका और सैमसन का जो मैन इन फॉर्म बैट्समैन थे उनको भी रोक दिया, उनको जीरो पे आउट कर दिया। सोचिए जब से सिलेक्शन हुआ तब से कोई चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। पहले दो तूफानी बैट्समैनों को रोका और फिर लास्ट में भाई हैदराबाद का विजय रथ रोक दिया। बिल्कुल हैदराबाद ने रोक दिया राजस्थान का विजय रथ डेफिनेटली। और देखिए पैट कमिंस की हमेशा तारीफ करनी पड़ेगी, वो 19 मेरे को तो लग रहा है 19वां ओवर काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला था। ध्रुव जुरेल वहां पे आउट हुए, ध्रुव जुरेल जो कि कमाल कर सकते थे, उसके बाद 19वां ओवर आया, फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल आउट हुए, रोमन पवेल अश्विन थे वहां पे मैदान में, बट आखिरी में जीत नहीं दिला पाए, वो एक रन से चूक गई राजस्थान की टीम। राजस्थान को ये जो हार है ना काफी ज्यादा चुभने वाली, क्योंकि आखिरी तक ये मुकाबला गया था बिल्कुल आखिरी तक, कि बस एक ही तो गेंद चाहिए थी, बस वो एक हिट से रह गए, बस हिट से रह गए, सिंगल भी आ जाता तब भी सुपर ओवर हो जाता, वैसे सुपर ओवर हो जाता और आईपीएल 2024 का पहला सुपर ओवर हमें देखने को मिलता है। लेकिन हैदराबाद है वो टीम, वो कभी भी मैच पलट के रख सकती है। लेकिन एक गेंद थी और कई सारे नतीजे आपके सामने थे भाई, ये मैच टाई भी हो सकता था, एसआरएच भी जीत सकता था, आरआर भी जीत सकता था, लेकिन वही जो खुदा को मंजूर हो वही एसआरएच ने भाई बाजी मार दी। और एसआरएच के लिए कैचेस छूटे हैं शुरुआत में, कितने कैचेस छूटे हैं, अभिषेक शर्मा का कैच छूटा है, आपके ट्रेविस हेड का कैच छूटा है, बहुत कैचेस छूटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप इस मैच को थोड़ा सा और क्लोजली अगर आप देखोगे तो भाई 201 बना दिए थे एसआरएच ने, और पहले बैटिंग करते हुए मजे की बात, इनको बैटिंग पसंद है, पहले टॉस जीता इन्हीं के फेवर में बिल्कुल। ट्रेविस हेड ने फिर तूफान मचाया, 58 बनाए 44 गेंदों का सामना करते हुए, और उसके बाद अभिषेक थोड़ा जल्दी आउट हो गए आज, और अनमोल प्रीत सिंह फिर से निराश किया, पिछले मैच में मैच जल्दी आउट हो गए थे और आज भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश रेड्डी अब ये एक नए स्टार हैं, अब कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बार इंप्रेस कर रहे हैं बैटिंग से भी और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। वैसे आज भी देखिए 76 बनाए 42 बॉल्स में, करीब करीब 180 का स्ट्राइक रेट, जिसमें चौके छक्के भी, छक्के तो इनफैक्ट आठ मारे हैं छक्के बिल्कुल। एक और मैच था वो मुझे मैच याद नहीं आ रहा है, बट उस मैच में भी नीतीश रेड्डी ने बहुत ज्यादा कमाल किया था और उसी के बाद से लाइमलाइट में भी आया था। और आज का मैच देख लीजिए, नीतीश रेड्डी सुपर स्टार बन के आए हैं, इनके नीचे हेनरिक क्लासन भी थे, बट हेनरिक क्लासन की पारी को कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी ने ओवर शेडो कर दिया, बट हेनरिक क्लासन ने भी अच्छी पारी, बहुत अच्छी बैटिंग की। हम लोग बात कर रहे थे प्री मैच शो में कि यार क्लासन ना थोड़े से गुम से हो गए, वो क्यों नहीं रन बना रहे, आज देखिए 1942 बना के दे दिए, बस यही चाहिए था क्लासन से नीचे, वो क्लास दिखाई आज इन्होंने, और 201 बनाने बहुत होते हैं स्कोर, बहुत वैसे होते हैं। देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, और ठीक है छोटा मैदान है, बट यहाँ पे काफी मैचेस हो चुके हैं, तो पिच थोड़ा सा खराब हो जाती है जब ज्यादा मैचेस होते हैं, बट इस पिच पे भी गजब की बल्लेबाजी करी हेनरिक क्लासन ने, छक्कों के लिए जाने जाते हैं, अपने सिक्सर किंग बोलते हैं हम इनको, तो उस तरीके की बल्लेबाजी आज इन्होंने की है। साथ साथ ट्रेविस हेड ने भी अच्छी शुरुआत दे दी थी, 58 रन उन्होंने बनाए 44 बॉल्स में, 131 के अराउंड का इनका स्ट्राइक रेट था, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के भी शामिल। बिल्कुल, लेकिन जब 201 जब चेज करने आई है टीम आरआर की टीम भाई, उसमें एक ऐसे खिलाड़ी आपके सामने देखिए, नाम यशस्वी है, तेजस्वी बने आज तो 67 बनाए इनफैक्ट इन्होंने, और सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया और स्ट्राइक रेट तो इनका अमेजिंग रहता है भाई, 7 चौके 2 छक्के मारे। अब जायसवाल वो नजर आ रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन ने क्या किया, संजू सैमसन देखिए जब से ये टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हुआ है, ना रोहित चल रहे हैं, ना पांड्या चल रहे हैं, ना संजू चल रहे हैं, कोई नहीं, आज यूजी की भी पिटाई हुई है गेंदबाजी में, तो कोई भी नहीं चल रहे, मुझे लग रहा है कि क्या ही हो गया, आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया उन्हें, पता नहीं यार। लेकिन ये रियान प्राग ने फिर लगाई आग, आज भी 77 बनाए 49 बॉल्स में, 8 चौके 4 छक्के लगाए, ये भी जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त, भले ही 3-4 मैचेस से थोड़े से फेड नजर आ रहे थे रियान प्राग, बट फिर से अब दूसरा
रूप सामने आ गया रियान पराग का। आवेश खान ने गजब की गेंदबाजी करी है, चार ओवर में 39 रन लुटा के दो विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमी भी इनकी ठीक है, नौ की इकोनॉमी है। और आवेश खान जब से डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं ना, तब से ये अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं, बहुत मेच्योर्ड खेल रहे हैं। जैसे आपने पिछले सीजन देखा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स से, बड़े ही इमेच्योर लगते थे, बट इस बार काफी मेच्योर्ड पारी इनके, मतलब काफी मेच्योर्ड गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन रोमन पॉल के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा मैच बना दिया था, उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पे 27 बना दिए थे, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे, तीन चौके एक छक्का भी लगाया था, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो मैच खींच के ले आए थे। अब लास्ट गेंद पर यार वो अगर हिट लगा जाए तो देखिए वो आज रातों रात कहते हैं स्टार कैसे बनते, ऐसे बन जाते हैं। लेकिन रोमन पॉल भी अपसेट होंगे यार, अपसेट होंगे। लेकिन ध्रुव जुरेल के बाद सारा का सारा दारोमदार जो है इन पर आ गया था। अश्विन थे नो डाउट, नॉन स्ट्राइकर एंड से अश्विन थे खड़े हुए, बट जो प्योर बैट्समैन है वो तो रोमन पॉवेल है ना। अश्विन को तो आप ठीक है पार्ट टाइमर ही मानेंगे, बट जो प्योर बैट्समैन है वो रोमन पॉवेल है। बट इन्होंने अपना पूरा का पूरा काम करा है, एक हिट भी क्या, एक टुक से दूर रह गए, मुझे लग रहा है एक रन से दूर रह गए, अदरवाइज इस ये वाला मैच भी राजस्थान के पाले में चल जाता और राजस्थान के आगे क्यों लग जाता क्वालिफाई, ये इनके आगे लग जाता। लेकिन अभी वो लग नहीं पाया और कहीं ना कहीं दो हार आ चुकी थी एसआरएच की, अब उनके लिए जीत बड़ी जरूरी थी और आज उनको वो जीत मिली भी है। लेकिन दोस्तों हमने आज ये मुकाबला देखा भाई राजीव गांधी स्टेडियम में, बड़े फैंस आए थे देखने के लिए यार, और हर कोई एक्साइटेड था कि कोई तो एसआरएच के लिए ऐसा खिलाड़ी हो जो कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर दे, तो ऐसे ये खिलाड़ी भी हैं हमारे। एक खास सेगमेंट है ओकिना इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, कौन बन सकते हैं आज के मुकाबले में, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने गजब का खेल दिखाया है यार। इनकी बैटिंग अगर आप देखो तो आप भी फैन हो जाओगे, जैसे ओकिना इफेक्ट जो स्कूटी है वो इफेक्टिव तो है ही है, वो माइलेज बड़ा शानदार देती है। आज इस खिलाड़ी ने बड़ा दमदार खेल दिखाया, तो देख ही लेते हैं भाई ओकिना इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, ये देखिए आपके सामने। अब ये पूरी तरीके से रेडी थे आज के मैच में, नाम नीतीश रेड्डी इनका 76 42 बॉल्स में। इस खिलाड़ी के बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है यार, जैसे इस खिलाड़ी के बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है, डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं ये भी, और जितने भी आप घरेलू क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों को देखेंगे वो इसी तरीके का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, मयंक यादव हो या फिर नीतीश रेड्डी, और यंग टैलेंट के नाम रहा है आईपीएल 2024 तो, और जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी आज इनसे शायद एक या दो ओवर तो करवाए गए थे, बट इंपैक्ट प्लेयर रूल के कारण गेंदबाजी ऑलराउंडर्स की आ ही नहीं पा रही है। बट अब मुझे लग रहा है नीतीश रेड्डी को भी टीम इंडिया के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि हमें ऑलराउंडर चाहिए ना, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, उसके बाद कौन, तो नीतीश रेड्डी का नाम भी शामिल। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ एक रन से जीता एसआरएच की टीम। मैं तब तक आपके कमेंट्स लेता हूं, लेकिन उस तरफ एक गुगली फेंक देते हैं भाई। आज के मुकाबले में आपने रियान पराग की बैटिंग देखी, आपने आज नीतीश रेड्डी की बैटिंग देखी, किसने ज्यादा इंप्रेस किया? देखिए मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी ने डेफिनेटली आज ज्यादा इंप्रेस किया, नो डाउट। रियान पराग की पारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, रियान पराग जिस पॉइंट पर आए थे मैच में बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। दो तीन मैचेस बहुत ज्यादा फेड होते हुए नजर आ रहे थे, फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे, बट फिर से आज रियान पराग की आग हमें देखने को मिली। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी ने वो काम करके दिया जो शायद रियान पराग नहीं कर पाए। नीतीश रेड्डी लगातार इंप्रेस कर रहे हैं पिछले दो तीन मैचेस से, वो भी हालांकि फेड हो गए थे, एक मुकाबला उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा किसके खिलाफ जिताया था, बट वो उस मुकाबले में नीतीश रेड्डी काफी ज्यादा हेडलाइंस बटोरते हुए नजर आ रहे थे। तो नीतीश रेड्डी ने आज के मैच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव पारी खेली, और जिस तरीके से वो शॉट्स लगाते हैं, जिस तरीके से वो क्लासी शॉट्स लगाते हैं, उसका हर कोई दीवाना हो गया। बिल्कुल हर कोई फैन हो गया है, और ना सिर्फ दीवाना इसलिए भी हुआ क्योंकि जो हैदराबाद का क्राउड था भाई, उसको भी कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी। पूरी तरीके से ऑरेंज आर्मी नजर आ रही थी आज हर मैदान में। और दोस्तों अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो भाई वो हम दिखाते थे इस मैच में जो जो हाइलाइट्स रही थी, तो हमारे खास सेगमेंट ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच क्या क्या है आज के, उस पर एक नजर डालते हैं भाई, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी कई कलर्स में आती है तो यहाँ भी आपको कई सारे रंग दिखाई देंगे। अब ये जो दोनों कैप्टन हैं आज वहां पे नजर आए हमें, और खास खास ट्रेविस हेड भाई, ये हेड बड़ी हेडेक्स ही दे रहा है, हर बार आते रन बनाते हैं, और ये आवेश खान, ये खान नहीं इतना आसान, ये खान नहीं इतना आसान, डेफिनेटली। आवेश खान तो बड़ी मैच्योर्ड गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले साल लखनऊ के खेमे में थे, लखनऊ के खेमे में बेचारे हेलमेट भी तोड़ देते थे, बट इस बार बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होके आए रियान पराग और आवेश खान, दोनों इस बार बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होके आए। आज राजस्थान ने भी अपना पूरा दमखम लगाया, लेकिन हैदराबाद की टीमें जो मुकाबला कहीं से भी पलट सकती है, तो आज वही हुआ, हैदराबाद ने मुकाबला लास्ट में आते आते पलट दिया। वो 19वां और 20वां ओवर बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, साथ साथ राजस्थान की भी काफी ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने आखिरी कितने 5 या 6 ओवर्स में कुछ 106